Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in Scientia Physica Neeraj Singh. तो जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको इस चैनल में जो मैं आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12 की केमिस्ट्री में स्टूडेंट मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ. और सॉल्यूशन चैप्टर आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट को है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्राइस्कोपी एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट. जो उसमें सॉल्यूट डाला जाएगा सॉल्यूशन बनाने का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो उसका मॉलिकुलर वेट, ये तीन चीज है टॉपिक आज का डिस्कशन है. तो जैसे कि स्टूडेंट मैं आप लोगों को पहले मैं आपको फ्रीजिंग समझा दूंगा कि फ्रीजिंग क्या होता है. पहले तो फ्रीजिंग आप ये समझ लीजिए, कोई लिक्विड चाहे सॉल्वेंट चाहे सॉल्यूशन हो वो जब लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसे फ्रीजिंग बोलते हैं या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं फ्रीजिंग. ठीक है, जनरली स्टूडेंट होता है क्या है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, देखिए यहां लिखा हुआ है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर होने लगता है. ठीक है, ध्यान से समझिए, देखिए क्योंकि किसी भी लिक्विड का जो सॉलिडिफिकेशन के फॉर्म में जो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है. यानी कोई लिक्विड जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसका वेपर प्रेशर काफी डिक्रीज कर जाता है. तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब घटता जाता और घट के वो उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी घट करके, यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना घट जाए कि वो उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तब वो लिक्विड जो है उसको फ्रीजिंग होने चालू हो जाए, यानी वो लिक्विड फ्रीज करने लगेगा. ठीक है, तो जनरली तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज रिड्यूस्ड सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीज. देखिए आप लोग जानते हैं सिंपल सी चीज है स्टूडेंट, किसी भी सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो उस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा. ये चीज ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा सॉल्यूशन का, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है. ये वेपर प्रेशर कम ज्यादा होने के कारण उसके बॉइलिंग पॉइंट में इफेक्ट डालेगा. अब जैसे कि ये अगला है तो सॉल्यूशन कर्व, आप जैसे यहाँ पे इस चार्ट पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये वेपर प्रेशर कर्व है और ये क्या है टेम्परेचर कर्व है. आप इसमें देखिए ये पहला जो ये कर्व आप देख रहे हैं ये किसका है, ये है सॉल्वेंट का. अब सॉल्वेंट का जो कर्व है जो ये कर्वेचर है इसका जो है आप देख रहे जैसे कि ये टीएफ टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है स्टूडेंट जिसमें सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ये आप ये देख रहे हैं ये फ्रोजन सॉलिड ये जो कर्व है इसके बराबर, यानी कि जो सॉल्वेंट का जो सॉलिड में जो वेपर प्रेशर उसके बराबर है ए पॉइंट में. यानी सॉल्वेंट का लिक्विड का वेपर प्रेशर जब इसी सॉल्वेंट के सॉलिड के वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है ए पॉइंट में तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि वो फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा. तो यहाँ पे जो टीएफ है दैट इज अ सॉल्वेंट का क्या है ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये कहते हैं सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है. और ये टीएफ जो है यहाँ पे इस समय जो हमारा जो आपका जो सोल्यूशन है यानी जिस सॉल्वेंट में हम जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको डी आपको जो है यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आप देख रहे हैं ना डी दिख रहा है ऐसा ई दिख रहा है, ये वो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के जो घट गए जिसको हमने यहाँ पी वन और पी टू से आपको दिखाया है. ठीक है स्टूडेंट, अब होता क्या है स्टूडेंट जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये तो सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर क्या पी नॉट है और ये जो आपका जो बी है क्योंकि ये जो कर्व आप देख रहे हैं इस ये कर्व कहलाएगा फ्रोजन या सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व. क्या बोलेंगे सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व ये जो जा रहा है जब इसकी में ए पॉइंट में आता है तो ए पॉइंट तो सॉल्वेंट का आपका जो है आपका बॉइलिंग या फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, लेकिन ये जो बी पॉइंट आप देख रहे हैं ये बी पॉइंट क्या है ये सॉल्यूशन का, ये क्या सॉल्यूशन का कटिंग पॉइंट है, यानी कि ये सॉल्यूशन का आपका क्या फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज डिनोटेड बाय टी वन. तो टी वन इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन नंबर वन. और ऐसे यहाँ पे सी पॉइंट है, सी पॉइंट इट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट, जब टी टू से दिखाया है इट इज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन नंबर टू. तो दो सॉल्यूशन बने, यानी ये बात क्लियर होगी कि सॉल्यूशन वन का कंसंट्रेशन कम है उससे ज्यादा सॉल्यूशन टू का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ज्यादा है. ठीक है, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो इसमें जो ये वाला कर्व मिल रहा है एबीसी वाला, ये जो एबीसी वाला कर्व ये फ्रोजन जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर का कर्व बन रहा है. ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये सॉलिड वाला है, सॉलिड देखो फ्रोजन लिखा हुआ, सॉलिड मतलब फ्रोजन मतलब सॉलिड, जो सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर का कर्व ये दिखा रहा है इसी के बराबर होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा. और ये जो टी वन टी टू इट इज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन नंबर टू और टी वन इज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन नंबर वन एंड टी एफ इज इट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, क्लियर हो गया. अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और फ्रीजिंग सॉल्यूशन नंबर वन का फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो डेल्टा एफ वन से दिखाएगा. डेल्टा एफ वन देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे ये डेल्टा एफ वन, तो ये जो डेल्टा एफ वन है स्टूडेंट ये आपको मैंने दिखा रहा है यहाँ पे, तो डेल्टा इसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फर्स्ट सॉल्यूशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन. और ऐसे टीएफ यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट
और T2 यानी कि सॉल्यूशन नंबर 2 का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा TF2। तो डेल्टा TF2 इट इज अ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन नंबर 2। ये बात क्लियर हो गई? तो यहां पे जो ये डेल्टा TF1 डेल्टा TF2 इसे कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन होता क्या, जैसे ए में आपका जो सॉल्वेंट है इसका जो है आपका P0 आपका जो है वेपर प्रेशर है, और ये जो सॉल्यूशन नंबर 1 है इसका बी का इसका वेपर प्रेशर है P1 और सॉल्यूशन नंबर 2 का C1। तो ये P0 से लेकर P1 यानी कि ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और ये सॉल्यूशन नंबर 1 का वेपर प्रेशर, इन दोनों का जो डिफरेंस है जिसको डेल्टा P1 से दिखाया है इट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे सर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऐसे ही ये P0 हमने ले लिया और ये P2 ले लिया। P2 इज स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 है ना सी पॉइंट पे, तो सॉल्यूशन नंबर 2 का वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन नंबर 2 का वेपर प्रेशर और इसी जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इन दोनों का जो डिफरेंस है इट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन नंबर 2। तो ये डेल्टा P1 और डेल्टा P2 से हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिखाया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहां देखें कि आप सॉल्वेंट का देख रहे हैं ग्राफ ऊपर है, सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे, यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है तो पैरेलल ग्राफ नीचे की तरफ होते जाते हैं। तो वो चीज है कि वेपर प्रेशर जो होता है आपका सॉल्वेंट का डायरेक्ट इज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। अब जैसे यहां पर डेल्टा TF2 होते हैं इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ, इट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं डेल्टा TF मतलब दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसके किसका TF स्टैंड फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड टी इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसका तो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट ये हमने सारे वेरिएबल्स से समझाती है। अब देखिए स्टूडेंट इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, इसमें जो ये वाला ग्राफ जा रहा है एबीसी फ्रोजन वाला ग्राफ है, और ये जो हमारा ये सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 और ये सॉल्वेंट की जो ग्राफ है यहां पे देखिए ट्राइंगल बन रहे हैं एबीडी ACE। अब ये दोनों ट्राइंगल देख रहे हैं यहां पे जो ये वाला एंगल जो है दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, और बाकी ट्राइंगल जो है ये दोनों यानी कौन सा एबीडी और ये AC दोनों बिल्कुल सिमिलर एंगल क्या बनेंगे सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे। और सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है आप लोगों को मैंने पहले बताया, जब दो ट्राइंगल दो या दो से अधिक ट्राइंगल के उनके तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंगली बराबर होते हैं, यानी एंगल्स बराबर होंगे साइड बराबर नहीं होगी ध्यान रखिएगा। तो जब एंगल्स बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहला रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एबीडी और ACE ये दोनों हमारे क्या है, क्योंकि लगभग स्ट्रेट लाइन ये AB लाइन और AC लाइन लगभग स्ट्रेट बन गया, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या सिमिलर है। ये कैसे सिमिलर, अब सिमिलर है तो सिमिलर वाले हम लोग थ्योरम लगाएंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो ये हमने BD अपॉन CE ले लिया, ये देखिए BD अपॉन CE ले लिया, तो ये हो जाएगा AD अपॉन AE, देखिए AD अपॉन AE ले लिया। अब BD अपॉन BD किसके बराबर, वो है TF माइनस T1, ये देखिए लिखा TF, ये BD के बराबर है TF माइनस T1 और ये हमारा ये BD हो गया, और CE जो होगा वो हमारा TF माइनस T2, ये देखिए TF माइनस T2 हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये सॉल्यूशन नंबर 1 का क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये सॉल्यूशन नंबर 2 का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मगर जब BD था तो यहां पे हम लेंगे AD अपॉन AE लेंगे, देखिए ये लिखे AD अपॉन AE, तो AD क्या, इट इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये देखिए है ना ये सॉल्यूशन। तो AD हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1, और AE क्या हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2। क्लियर हो गया? तो वो हमने यहां PO P1 अपॉन PO P2 ये रख दिया, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। तो इसको हमने डेल्टा TF1 दिखाया, यानी कि इट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन 1, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन नंबर 2, और इट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1 और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2, ये दोनों है। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये जो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप देख रहे हैं देखिए बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहे हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जब डायरेक्टली करो तो रॉड्स लॉ आप लोग जानते हैं P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू N अपॉन N, ये P0 अपॉन माइनस P ये कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और P0 माइनस P अपॉन P0 कर दे तो ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये है इट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो इसमें आप जानते हैं कि जो ये स्मॉल n की वैल्यू बहुत छोटी होती, तो स्मॉल n अपॉन कैपिटल N हमने ये रख दिया, ये क्या हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट होगी। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे P0 ऊपर चला जाएगा, पहले तो ये n की जगह W अपॉन स्मॉल n रख देंगे, और n की जगह ये सॉल्वेंट का है और ये किसका सॉल्यूट का ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसे डब्ल्यू एम अपॉन एम कैपिटल डब्ल्यू करके रख देंगे, तो P0 को ऊपर कर देंगे। और आप जानते हैं स्टूडेंट ये चीज बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि ये इतना पोर्शन है ये वाला पोर्शन इसको सॉल्यूट की मोलिलिटी होगी, सॉल्यूशन की मोलिलिटी कहलाती है, क्या कहलाती है मोलिलिटी। तो ये P0 को हम कैपिटल एम यानी कि मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई करके अलग लिख देंगे, और डब्ल्यू अपॉन एम ये हमारी मोलिलिटी होगी, यानी यह बात आपको समझ में आएगी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिलिटी, ये आप देख रहे हैं ना। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट इज
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्ट इक्वेट कर दिया तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू अपॉन एम यानी मोलेलिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब आप देखें मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये साइन हटाएगा प्रोपोर्शनल साइन, तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यू विल गेट अ कांस्टेंट, यानी कि इट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू द केएफ एंड मोलेलिटी। ये मोलेलिटी मोलेलिटी है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। और ये जो केएफ है इसे बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्राइस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज आल्सो नोन एज क्राइस्कोपिक कांस्टेंट। ये हमने सारे क्राइस्कोपिक कांस्टेंट यहां दे रखे। अब अंडरस्टूड है ये मोलेलिटी लिखा हुआ स्टूडेंट, तो मोलेलिटी अगर किलोग्राम में है यानी सॉल्वेंट का जो मास है अगर केजी में है तब तो यही हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे यानी डेल्टा टी बराबर केएफ, ये मोलेलिटी जो है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 इसलिए कर देंगे क्योंकि ग्राम को हमको चेंज करना होता है किसमें किलोग्राम में, तो जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है अगर वो ग्राम है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो रेसिप्रोकल होगा, ये 1000 ऊपर आ गया। तो यानी डेल्टा टी बराबर केएफ इंटू 1000 स्मॉल डब्ल्यू यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ये रख देंगे क्योंकि हमको निकालना था मॉलिक्यूलर। अगला टॉपिक क्या था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो स्मॉल एम को जो हम यहाँ पे जो स्मॉल एम को ऊपर कर देंगे तो स्मॉल एम बराबर हो जाएगा 1000 केएफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीएफ यानी इट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड कैपिटल डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर जो स्मॉल एम इट इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, ये सिंपल सी चीज है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें स्टूडेंट आपको ये बता दें जो केएफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्राइस्कोपिक कांस्टेंट इसका जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन मोलर इनवर्स, क्या बोला मैंने केल्विन मोलर इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड मोलर इनवर्स होता है, ठीक है स्टूडेंट। और एक चीज और कुछ सॉल्वेंट क्योंकि ये किसका होता है ये ध्यान रखिएगा मोलर या क्राइस्कोपिक कांस्टेंट ये सॉल्वेंट का होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिए सॉल्यूट का नहीं होता केवल सॉल्वेंट का। ये कुछ हमने सॉल्वेंट दे रखे वाटर है एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड इनके सब ये केएफ यानी कि क्राइस्कोपिक कांस्टेंट हमने यहां देखे यहां पर लिस्ट आपको दिख रही। तो आई थिंक स्टूडेंट आज मैंने आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्राइस्कोपिक एंड एक्सप्रेशन फॉर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने आपको पढ़ाया। आई थिंक स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और मेरी प्लेलिस्ट में के अकॉर्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री की जो भी आपकी 11th 12th की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने बिल्कुल सीरियस से लेक्चर दे रखा उसके उसी हिसाब से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा स्टूडेंट, ये नोट्स आपके बहुत आगे काम होंगे। और एक चीज और स्टूडेंट आप लोग सबसे हमर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने जान पहचान के लोग जिनकी ये लेक्चर फायदेमंद है उनको आप मेरा लिंक भेज दीजिएगा और उनसे प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये मैं हार्डली आप लोग से हमर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट ओके बाय बाय।